हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग एक कंपेयर वीडियो है ये, और आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बाइक, जो है हीरो के तरफ से आने वाली बाइक हीरो ग्लैमर 125 और बजाज की तरफ से आने वाली बाइक बजाज डिस्कवर 125। तो ये जो सेगमेंट है, मतलब 125 सीसी का सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे बाइक ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइस रेंज में, बहुत सारे पावर्ड ऑप्शन के साथ, बहुत सारे लुक्स में भी डिफरेंस वाले बहुत सारे बाइक मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बाइक है, ये बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको लेते भी हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को मतलब मैसेज भी आता है, थोड़ा बहुत कॉमेंट भी आता है कि इन दोनों बाइक का जो डिफरेंसेस है या फिर कंपेयर है वो हम लोग करें। तो इस वीडियो में ये कंपेयर हो जाएगा, आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा। तो पहले हम लोग लुक्स वाइज कंपेयर करते हैं। तो लुक्स तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है, मतलब किसी को डिस्कवर का लुक ज़्यादा पसंद आएगा, किसी को जो ग्लैमर है उसका लुक्स पसंद आएगा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ओवरऑल तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक के बाद एक चीज़ को अब देखते हैं। जैसे कि अगर आप हेडलाइट को देखेंगे, तो हेडलाइट जो है यहाँ पे, तो डिस्कवर में वही सेम ट्रेडमार्क डिस्कवर वाला हेडलाइट मिलता है, जो एक हैलोजिन हेडलाइट है, जो बहुत सालों से एक ही चल रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर ग्लैमर को देखेंगे, तो यहाँ पे जो हेडलाइट है ये थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग है, मतलब जो पहले मिलता था उससे थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये भी एक हैलोजिन हेडलाइट ही है, यहाँ पे कोई भी एलईडी अभी तक नहीं है। लेकिन जो BS6 आने वाला है उसमें शायद हम लोगों को एलईडी भी मिल जाएगा। और यहाँ पे पहले ही एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हो रहा है, मतलब ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये डिस्कवर के हायर वेरिएंट और ग्लैमर के हायर वेरिएंट, मतलब ग्लैमर FI और डिस्कवर जो डिस्क वेरिएंट है उसके साथ हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हायर वेरिएंट में ही हो रहा है ये कंपेयर। तो उसके बाद अगर हैंडल बार को देखेंगे, तो हैंडल बार भी वही सेम मिलता है दोनों में, मतलब सेम मतलब दोनों में ही ट्यूब सिंगल यूनिट हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो स्विच क्वालिटी है वो डिस्कवर में थोड़ा सा अच्छा है, अगर देखेंगे जो ग्लैमर है उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो स्विच गियर थोड़ा सा प्रीमियम है डिस्कवर में। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोनों ही बाइक में मिलता है, एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब थोड़ा सा पार्ट एनालॉग है, थोड़ा सा पार्ट डिजिटल है दोनों ही बाइक में। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो है ग्लैमर में, और इसका जो डिजिटल पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलता है। तो उस हिसाब से ग्लैमर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा अच्छा है। दोनों ही बाइक में जो साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं उसको अगर देखेंगे, तो साइड इंडिकेटर्स मेनली यहाँ पे बल्ब इंडिकेटर्स ही हैं, और ये देखने में भी उतना ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब दोनों में ही वही सेम वही घिसा पिटा टाइप का ही लुक्स है दोनों में ही। और अगर टैंक को देखेंगे, तो दोनों ही बाइक का टैंक साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जैसे कि डिस्कवर का जो टैंक है वो एक 8 लीटर्स का टैंक है, और जो ग्लैमर का टैंक है वो एक 12 लीटर्स का टैंक है। और यहाँ पर जो माइलेज आप लोगों को मिलेगा, वो डिस्कवर का क्लेम्ड माइलेज है 82 किलोमीटर्स पर लीटर, लेकिन रियल वर्ल्ड माइलेज है 65 से लेकर 72 किलोमीटर्स पर लीटर का ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और जो ग्लैमर है उसका जो माइलेज है वो क्लेम्ड माइलेज है 72 किलोमीटर्स पर लीटर, लेकिन वहाँ पे भी जो माइलेज मिलता है वो लगभग 60 KMPL के आसपास ही मिलता है। और अगर सीट को देखेंगे, तो दोनों ही बाइक में जो सीट मिलता है वो एक सिंगल यूनिट सीट है, और दोनों ही सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और लंबा भी है, वाइडनेस भी बहुत अच्छा है दोनों ही सीट में। लेकिन अगर कंफर्टेबल की बात करें, मतलब कौन सा ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा कौन सा सीट में, तो वो है ग्लैमर का सीट, मतलब ग्लैमर का सीट ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है दोनों के लिए, मतलब जो राइडर है और पिलियन है दोनों के लिए ही। बैक पोर्शन को अगर देखेंगे, तो बैक में दोनों ही बाइक में LED हेडलाइट मिलते हैं, मतलब LED टेल लैम्प मिलते हैं दोनों ही बाइक में, और दोनों ही LED टेल लैम्प का जो लुक्स है वो थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन दोनों ही अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। और दोनों ही बाइक में सामने की तरफ मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स, और पीछे की तरफ मिलता है डुअल सस्पेंशन। लेकिन डिस्कवर का जो सस्पेंशन है, मतलब पीछे वाला, वो नाइट्रॉक्स गैस चार्ज सस्पेंशन है, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है वो डिस्कवर ही होने वाला है। दोनों ही बाइक में सामने की तरफ मिलता है डिस्क ब्रेक, और पीछे की तरफ मिलता है ड्रम ब्रेक, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बाइक में CVS मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। टायर साइज़ की अगर बात करें, तो दोनों ही बाइक में सामने की तरफ मिलता है 80 सेक्शन टायर, और पीछे की तरफ मिलता है 90 सेक्शन टायर, लेकिन जो व्हील बेस है वो है डिस्कवर का 17 इंच, और जो ग्लैमर है उसका है 18 इंच का व्हील बेस। दोनों ही बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो देखने में मतलब नॉर्मल टाइप का है,
उतना कुछ बोलने वाला कुछ है नहीं वहाँ पे, लेकिन जो साउंड है मतलब जो एग्जॉस्ट नोट है वो ग्लैमर में थोड़ा सा अच्छा है। अगर पेंट क्वालिटी की बात करें तो पेंट क्वालिटी जो ग्लैमर है उसमें थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है एज़ कम्पेयर टू डिस्कवर। और अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो सामने का जो पोर्शन है वो देखने में ज़्यादा अच्छा है जो ग्लैमर है उसका, लेकिन अगर बैक पोर्शन को देखेंगे तो बैक पोर्शन थोड़ा सा अच्छा है डिस्कवर का ही। और अगर इंजन की बात करें तो डिस्कवर में जो इंजन मिलता है वो एक 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, और ये एक कार्बोरेटेड इंजन है, यहाँ पे कोई भी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन अभी तक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गियर ट्रांसमिशन मिलता है वो 5-speed गियर ट्रांसमिशन है, और यहाँ पे जो पावर प्रोडक्शन है ये है 11 BHP और 11 Nm का टॉर्क भी मिलता है इस इंजन से। और दूसरे तरफ अगर देखेंगे मतलब जो ग्लैमर है उसमें जो इंजन मिलता है वो एक 124.5 सीसी का इंजन है, और ये भी एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन मिलता है आप लोगों को, यहाँ पे कार्बोरेटेड नहीं है, ये फ्यूल इंजेक्शन है। लेकिन यहाँ पे गियर्स मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 gears, मतलब कोई भी 5 gear का ऑप्शन, 5th gear का कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और पावर प्रोडक्शन जो होता है वो है 11.5 BHP और जो टॉर्क मिलता है वो है 11 Nm का टॉर्क। लेकिन अगर टॉप स्पीड और स्मूथनेस की बात करें तो डिस्कवर का जो इंजन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है और इसका टॉप स्पीड भी अच्छा है, क्योंकि जो डिस्कवर है उसका जो मतलब टॉप स्पीड है वो है 100 km/h, और जो ग्लैमर है उसका टॉप स्पीड है 97 km/h। और वेट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, जो डिस्कवर है उसका वेट है 123 kg और जो ग्लैमर है उसका वेट है 129 kg। और अगर प्राइस को देखेंगे तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जो ग्लैमर है उसका प्राइस है 70,150 rupees, लेकिन जो डिस्कवर है उसका प्राइस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ग्लैमर, उसका प्राइस है 62,701 rupees, जो बहुत ही कम है अगर कंपेयर करेंगे जो ग्लैमर है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे FI नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सारे चीज़ जो जाता है मतलब डिस्कवर के एरिया में ही जाता है, मतलब डिस्कवर ही थोड़ा बहुत अच्छा है और वैल्यू फॉर मनी भी है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। फिर भी दोनों ही बाइक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है ग्लैमर में। फिर भी आप उस बाइक को ले सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ ज़्यादा भी मिलता है, जैसे कि FI मिलता है वहाँ पे, पेंट क्वालिटी अच्छा है, सीट अच्छा है, और भी लुक्स तो आपके ऊपर है, मतलब आपको कौन सा बाइक ज़्यादा अच्छा है वो आप ले सकते हैं, यहाँ पे उतना कुछ है नहीं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, नीचे कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को कहना है, या फिर इन दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों को अच्छा है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।